नमस्ते और स्वागत है आपका ग्लैमिस्ट्री बाय सुगंधा पर। वेल, ग्लैमिस्ट्री बाय सुगंधा की तरफ से सबसे पहले सारी प्रेग्नेंट महिलाओं को डॉक्टर गीता अग्रवाल और मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और हेलो। और अब एक सवाल आपकी जिंदगी में आ गया है कि क्या मेरे को नॉर्मल डिलीवरी होगी कि सी सेक्शन? सुगंधा, ये सबसे पहला सवाल ना पेशेंट प्रेग्नेंट होते ही मुझसे पूछता है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी कि नहीं होगी। तो प्रेग्नेंट होते हुए ही मैं कैसे बता सकती हूँ कि ये नॉर्मल होंगे कि नहीं होंगे? बिकॉज नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन के बीच में 3 P's होते हैं जो ध्यान में देना होता है। और मैं अपने हर पेशेंट को ये कार्ड दिखाती हूँ। मैं कहती हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए आपके पास 3 P's की ज़रूरत है। एक अच्छा पैसेज, और पैसेंजर ने कोऑपरेट करना चाहिए, ना तो उसने पॉटी करना चाहिए, मतलब यस, एंड द बेबी एडुकेट टू द कैन, मतलब बड़ा ना हो कि वो नेगोशिएट ना कर सके, और मदर पावर लगाए। तो ये अगर 3 P's मिल जाएंगे तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। इन 3 P's में से अगर एक भी मिसिंग लिंक है तो नॉर्मल नहीं होगा, चांसेस ऑफ सी सेक्शन बढ़ जाएंगे। अच्छा, तो डॉक्टर कहने का मतलब ये है कि अगर आप लेबर में भी आ गए हैं तो भी डॉक्टर उस वक्त आपको बिल्कुल 100% नहीं कह सकता है कि आपको नॉर्मल डिलीवरी होगी, क्योंकि जैसे ही प्रोग्रेस होता है, मदर अगर थक गई, पावर नहीं लगाया, पैसेंजर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, then also you cannot deliver normally. So basically आपको स्ट्रेस नहीं लेना है लाइफ में, है ना डॉक्टर? Yes. स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए और अपनी प्रेगनेंसी को खूब एंजॉय कीजिए। नॉर्मल है कि सी सेक्शन है वो तो वक्त बता ही देगा। आजकल का डिक्टम है हेल्दी मदर एंड हेल्दी बेबी। एब्सोल्युटली। सो वी वुड वांट कि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी रहे। और ग्लैमिस्ट्री बाय सुगंधा को सिर्फ देखिए मत, हमको फॉलो कीजिए यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। देखते रहिए ग्लैमिस्ट्री बाय सुगंधा। नमस्ते।